किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने एसएसपी ग्रामीण कार्यालय का किया घेराव। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने नशे की बड़े स्तर पर हो रही बिक्री के खिलाफ आज एसएसपी ग्रामीण के कार्यालय का घेराव किया। संघर्ष कमेटी के राज्य महासचिव सरवन सिंह बंदेर ने कहा कि हर रोज एक दो युवक नशे के कारण मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान की सरकार एक माह बीत जाने पर भी राज्य को नशे से मुक्त कर पाने में असफल रही है, जिसको लेकर एसएसपी ग्रामीण अमृतसर के कार्यालय के सामने आज धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पुलिस लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा में भी असफल सिद्ध हो रही है। मैं सरवन सिंह बंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सूबा जनरल सकत्तर बोलता जी। एसएसपी अमृतसर रूलर दे अमृतसर विखे जो धरना असी लाया वा, यदा मुख्य मनोरथ हैगा वा भी नशिया की जी भरमार आ, नशिया कारण रोज़ एक दो नौजवान मीडिया च खबर के मुताबिक वो जड़े मर रहे ने। अजय जड़े बहुत सारे यहोजे नौजवान भी होंगे जो मीडिया उन्होंने कवरेज ना करता होगा, तो भावें मान सरकार नू एक महीना बनी नू होया वा, असी कर्जा माफ़ी की गल नहीं कहते भी अज ही कर दौ एम एस पी गरंटी कानून बना के दे दौ, चलो पैसे का मुद्दा होगा, नशे बंद करने कोई भी पैसा नहीं लगता है, रेत माफिया बंद करने कोई पैसा नहीं लगता है, तो नशिया करके नौजवान मर रहे एक तो वो वास्ते, दूजा जड़े नशिया तो पीड़ित नौजवान है, कोई भी नौजवान नहीं चाहता, कोई माँ प्यो नहीं चाहता मेरा मुंडा नशिया से लगे, उन्होंने मुड़ जोड़ा उन्होंने इलाज कराया जाए नशे तो पीड़ित नौजवानों का, मुड़ समाज की मुख्यधारा उन्होंने शामिल करवा दिता जाए ता जो चंकी जीवन जीन। मान साहब जिस दिन पहली बार आए थे उन्होंने कहा भी नशे बेरोजगारी डिप्रेशन का करके नौजवान नशियां ते लगे, एक महीना हो गया उन्हां कोले अजे तक नशा रोकना दूर दी गल, नशियां ते को पॉलिसी नहीं हैगी, तो ये गल्लां लैके इहदे नाल पुलिस प्रशासन के अंदर वड्डे पद्धर ते रिश्वतखोरी का बोलबाला, ये क्यों वा भी वो दसन भी एक एस एच ओनूं किन्ना तेल मिलता वा, पुलिस प्रशासन नूं आपदे काम चलाउण वास्ते कदी भी सरकार वल्लों पैसे मुहैया नहीं कराए जांदे, तां रिश्वत दे रूप च इकट्ठे करके पैसे आपदा काम चलाउंदा, हर एक पुलिस कर्मचारी अफसर निजी गड्डी अपनी ते जांदा, पुलिस दे कोई उहनां कोल है नहीं गे, पुलिस आधुनिक सेवावान ना लैस नहीं हैगी, कोई वारदात वकूआ हो जाए तो कोई विज्ञानक इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं गे भी वो पुलिस जी जड़ा वा वकूआ वारदात को चंगी तरीके ना सामभ सके। ये पंजाब के लाइन आर्डर की पिछड़ बिगड़ी आ, कतल लगातार हो रहे, चोरियां मझा चोरिया ट्रांसफार्म चोरी उन्होंने तेल चोरी वारदात वधिया ने, लोगों की जान माल की राखी करने के पुलिस नाकामयाब रह रही है, ये मुद्दे और जिवें नाथपुर जिहड़ा कांड होया सी उहदे विच जिहड़े किसान बेदोषे आ जिन्हां दा कोई नहीं उन्हां नूं उहदे विचों इनकुआरी करके परचे चों मुक्त किया जाए, बहुत सारे होर जिहड़े आ मसले लैके अज असीं एस एस पी दफ्तर धरना दे। देखो ये सारिआं नूं इह गल्लां लगदियां सी भी मान सरकार आई आ पहली बार आई आ तां उहदे आउण नाल शायद काफ़ी ज़्यादा सुधार आऊगा, असी अज तो यह दावा नहीं करते कुछ नहीं करे ठीक नहीं है अजे देखना, पर पिछले एक महीना पिछलियां सरकारां दा ते मान सरकार दा सानू तो कोई फर्क नज़र नहीं आया, वो आम वर्गा ही लगा वा, जां तां पहिल लोगों जड़ियां सेहत सहूलतां वधिया मिल जांदियां, एजुकेशन वधिया हो जांदी, दफ्तरां विच लोग रुलदे ना हैगे कुछ वधिया दा, पर सानू कोई लगता नहीं है कोई फर्क दूजियां सरकारां नूं, आस रखते हैं अगे वधिया करके विखा दिंदे सानू। अज दा जिहड़ा धरना आ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਜਿੱਦੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। अखबारा नित पढ़ते हैं बदल हो गया, बदल हो गया, बहुत ज्यादा
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ।